नमस्कार। गुजरात राज्य में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद अभी तक की विगत इस तरह से है कि कुल आज 45 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। इसमें से एक मरीज जो थे अपने बिल्कुल उनकी चिकित्सा और इलाज के बाद अच्छे होके वो वापस घर लौट गए हैं। और इन नए केसों का अगर हम जिला वाइज विभाजन देखें तो अहमदाबाद में 31, सूरत में 9, भावनगर में 1, महसाणा में 2, दाहोद में 1 और गांधीनगर में 1, ऐसे कुल 45 केस अपने पॉजिटिव आए हैं। अहमदाबाद में भी जो इलाके थे उन्हीं इलाकों से है और सूरत में भी उन्हीं हॉटस्पॉट के इलाकों से है। भावनगर में एक जो पॉजिटिव केस आए हैं वो 23 तारीख से बड़ोड़ा गए हुए थे नागरवाड़ा में जमात में और फिर वापस आके 23 तारीख से वो क्वारंटीन में थे और उनको अभी 14 दिन के अंदर जो टेस्टिंग करने का एक प्रोटोकॉल है उस रूल के मुताबिक उन्हें टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव निकले हैं। वैसे ही महसाणा के जो 2 केसेस हैं बॉम्बे जाके आए थे, एक मृत देह को लाने के लिए गए थे और दोनों इन्फेक्ट हुए हैं, इस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है। दाहोद में जो एक पॉजिटिव आए हैं ये हमारे ही एक आरोग्य के कर्मचारी थे, हेल्थ वर्कर थे। और एक जो पॉजिटिव केस, एक जो बालिका थी जो इंदौर से आई हुई थी दफन क्रिया के लिए, उसके टेस्टिंग और उनके साथ जो ट्रीटमेंट के दरमियान वो उपस्थित थे, ऐसे हमारे एक हेल्थ वर्कर भी पॉजिटिव निकले हैं। और गांधीनगर की भी एक महिला पॉजिटिव निकली है। इस तरह से ये कोलावड़ा की हैं, गांधीनगर की, उनका भी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह अभी हम ट्रेस कर रहे हैं। इस तरह से 45 केस हैं अभी तक जो गुजरात में। पूरे 617 जितने पॉजिटिव केसेस आए हैं, 617, और इसमें से वेंटिलेटर पर 9 मरीज हैं। इसमें से 7 सरदार वल्लभ पटेल हॉस्पिटल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, 1 भावनगर के हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और 1 कच्छ में एडमिटेड हैं। और इसके अलावा जो हमारे बाकी 527 पेशेंट्स हैं बिल्कुल स्टेबल हैं। और अभी तक जैसे आप जानते हैं 55 लोग, 55 जितने हमारे मरीज चिकित्सा के दरमियान बिल्कुल ठीक हो गए हैं और घर वापस भी चले गए हैं। और जहां तक लेबोरेटरी परीक्षण का सवाल है, कल जैसे कहा गया था कि पूरे भारत में जो टेस्ट्स पर मिलियन होते हैं उसमें गुजरात का तीसरा क्रम भी है, ऐसे कह सकते हैं, 219 टेस्ट्स प्रति मिलियन हो रहे हैं। और गत 24 घंटे में 1723 जितने हमने टेस्ट किए हैं जिसमें से 79 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और 1644 केस हमारे नेगेटिव आए हैं। और अगर क्यूमुलेटिव शुरुआत से अब तक देखा जाए तो 14,980 केस टोटल हुए हैं जिसमें से जो पॉजिटिव हैं 617 जितने केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और बाकी सब नेगेटिव हैं। तो इस तरह से अभी तक की माहिती और सूचना इस तरह से है। सबसे अनुरोध करेंगे कि बाकी के जो जिले थे, 14 जिले के जिनमें हमने रैंडम टेस्टिंग किया, उसमें से भी किसी और जिले में पॉजिटिव नहीं आया है सिवाय बनासकांठा जिसकी बात कल हुई थी। और ये महसाणा के भी दो केस हैं, ये ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। तो लगभग किसी जिले में अभी पॉजिटिव केसेस इसके अलावा 14 जिलों में नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल अपना शिस्त का जो है और नियम है उसे पालन करना है। नमस्कार।